अस्सलामुअलैकुम मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारे प्यारे बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्जे वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं आप खुश और सेहतमंद होंगे। कुरान शरीफ में आया है और तफसीर लिखने वालों में मशहूर है कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे जिलाता है और जिंदों को मारने के बाद फिर उन्हें पहले की तरह किस तरह होश व हवास में ला देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है? इब्राहिम अलैहि सलाम बोले, ईमान तो है लेकिन दिल की तसल्ली और इत्मीनान के लिए ऐसा चाहता हूँ। तब अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि चार किस्मों के मुर्ग लाओ और उनके अंगों को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर डालो। उनमें से चार टुकड़ों को अलग निकाल लो और हर हर टुकड़ों को पहाड़ पर डाल दो। जब तुम पुकार कर उनको बुलाओ तो तुम देखोगे कि हर एक दौड़कर तुम्हारे पास आएगा। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने ऐसा ही किया। चार परिंदों को जिबहा किया, उनको एक जगह हवन दस्ते में रख कर कूटा। उनके गोश्त हड्डियां एक दूसरे में घुल मिल गए। फिर इन चारों का सर हाथ में लिया और कीमा गोश्त हड्डी चार पहाड़ों पर फेंका। फिर पुकारा, ऐ परिंदो आओ और खुदा की कुदरत से अपने अपने सरों से मिल जाओ। क्या देखते हैं कि इन परिंदों का एक एक हिस्सा हवा में उड़ता चला आता है। वे सब मिलकर फिर परिंदे बनकर तैयार हो गए। इसी तरह अल्लाह अपनी कुदरत से कयामत में सबको जिंदा उठाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की उम्र 125 साल की थी। इसके बाद वह इंतकाल कर गए। सच है, उस खुदा के अलावा कौन है जो हमेशा जिंदा रह सके।